गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 2 अगस्त और नैनीताल में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। मतलब कल रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ से नीचे हमारी भाभी का घर दिखा, मेरी जेठानी का, तो वहाँ देखिए आग जल रही है। ये इतनी बड़ी बड़ी लपटें जला रखी है भाभी ने आग, तो सांग जलाने के लिए आग जलाते हैं ना सुबह सुबह। तो भाभी की बड़ी अच्छी आग जली हुई है, खूब लपटों वाली। तो मौसम की बात कर रही थी मैं अभी, तो देखिए मौसम अभी भी बारिश हो ही रही है हल्की हल्की सी। तो आज 2 अगस्त को भी खूब बारिश हो रही थी। 1 अगस्त की रात से बारिश का माहौल बन चुका है नैनीताल में। लगी रहा था यही कर रही होगी, तुझे क्यों लग रहा था लगी? तूने बैठने के लिए कर दिया इस कंबल को? बीन बैग पे मतलब कंबल की क्या जरूरत है? हैं? अभी तो ठंड भी नहीं है, बीन बैग में तुझे कंबल बिछा के बैठा हुआ है। और ये देखो, इस लड़के को स्कूल नहीं गई आज। मैं उठ गई थी सुबह नाश्ता बनाने के लिए, मगर इसने आया मेरे पास बिना ड्रेस में, तो मैं समझ गई थी स्कूल जाना नहीं है। अब क्या ऐसे ऐसी शक्लें बना रहा है अजीब से। चलो नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? आज तुझे गाना गाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज है 2 अगस्त और है बुधवार वेडनेसडे। तो आज नोनी गया ना स्कूल नहीं गया क्योंकि बाहर हो रही है लगातार बारिश। बारिश तेज़ नहीं हो रही, हल्की हो रही, पर बच्चे को बहाना चाहिए था स्कूल नहीं जाने का, तो नहीं गया। तो आज नाश्ते में बनने जा रहे आलू के पराठे, जिसके कि मैंने आलू को करके रख दिया है, ऐसे मैश करके रख दिया। मैं धनिया नहीं डाला था, धनिया भी होता तो बड़ा अच्छा सा कलरफुल सा आता। तो बिना धनिया के प्याज, लहसुन, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के मैंने इसको तैयार कर दिया है। और ये है आटा जो कि रात को लक्ष्मी ने गूंद के रख दिया था। तो चलिए मैं बनाती हूँ आलू के पराठे, गर्मा गर्म चाय के साथ खाते हैं आलू के पराठे। और देखिए मैंने नेल पेंट लगाई थी ना हाथों में, कल मैंने बनाया था पर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने डाला नहीं। और पैरों में भी लगा रखी थी नेल पेंट, तो मैं बड़ी रेड रेड कलर की नेल पेंट लगा के बैठी हूँ आजकल। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ पराठे और मक्खन के साथ पराठे। तो फ्रेंड्स देखिए पराठा सिक के तैयार हो रहा, तो मैं सेक रही हूँ घी में, देसी घी में। तो इस तरह से ब्राउन ब्राउन सा सीख रहा है। और ये मैंने बेल के रख दी, जैसे मैं पूरियों को बेल के रखती हूँ वैसे पराठे को मैं स्टफ करके रख देती हूँ, तब ये फटते नहीं है, अच्छे से बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट पराठा बनाऊँ और नाश्ता करें फटाफट। तो फ्रेंड्स आज बारिश की वजह से देखिए नाश्ता इतनी देर में हो रहा है, हमारा नाश्ता 10:05 बजते हैं, तो बारिश चल रही है ना आज। तो नाश्ता अब मैं करने लगी हूँ, मेरा बटर और पराठा, तो इनका भी नाश्ता हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपका दिन शुभ हो, मंगलमय भी हो साथ में। तो ऋतु भी आ चुकी है आज। तो ऋतु बाहर देखिए, ये देखिए दिख रहा है ऋतु का झाड़ू? ऋतु नहीं आएगी सामने, झाड़ू मारते ये आ गई ऋतु। ऋतु शर्माते हुए भागते हुए पाई गई है। तो गुड मॉर्निंग, तो सुबह के 11:15 बज रहे हैं और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। तो कल रात से यार इतनी बारिश हो रही है, कल रात को बहुत ही तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे, और जगहों का तो मुझे नहीं पता। नैनीताल में तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, कल रात भर बारिश होती रही है और सुबह से कंटिन्यूसली बारिश हुई पड़ी हुई है। तो कल तक हम खुश हो रहे थे कि अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, तो पर आज काफ़ी सारा बारिश हो रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। इस समय बज रहे दिन के 12:30 या 1:15 हो चुके हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, बारिश रुक चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, पर मुझे इतनी गर्मी लग रही है, कोने पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या किया अभी तक। मैं लगी थी 11:30-12 बजे से लगी थी यहाँ पे। तो मैंने आज अपने फूलों की थोड़ी सी सेटिंग करी है, फूल मेरे पास है नहीं, थोड़े अच्छे अच्छे प्लांट्स नहीं मेरे पास। ये जो जेड प्लांट था ना, इसको ये दिख रहा था मुझे काफ़ी दिनों से अस्त व्यस्त हालत में, तो मैंने जेड प्लांट सारे अलग अलग कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए जेड प्लांट मेरे पास। तो मैंने जेड प्लांट सारे इकट्ठे करके इस तरफ को रख दिए हैं, बाकी प्लांट्स मेरे सारे इस साइड को है। बाकी नीचे में है काफ़ी सारे प्लांट्स, तो ना वो नीचे से लाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे माली लाना पड़ेगा। माली ला के इनको सबको व्यवस्थित करेगा, उसके बाद फिर जाके होंगे। तो ये वाले मैंने इधर को रख दिए, थोड़े जो मैंने अभी अभी उगाए हैं इनको, अभी अभी दोबारा से मैंने उगाया है इनको। तो ये वाले सारे झाड़ियाँ झाड़ियाँ सी पड़ी हुई है सब यहाँ पे, बाकी के सब नीचे में ही है। तो इतने से प्लांट यहाँ पे, कुछ एक इंडोर अंदर में है हमारे पास। तो इनको सही कर रही थी मैं अभी तक ना, तो मेरी हालत ख़राब होगी इनको सही करते करते। तो चलिए मैं चलती हूँ अब अंदर की तरफ। तो साथियों 1 बज चुके हैं और अब लंच की तैयारी फट से बन जाएगा। दाल भाती बनाती हूँ, लंच में ज़्यादा कुछ बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं दाल के लिए जो है तड़का तैयार कर दिया, दाल बना रही हूँ मैं आज, ये धुले हुए उड़द की, उड़द होती है ना, हाँ धुले हुए नहीं दले हुए उड़द की, तो उड़द की दाल बनाने जा रही हूँ। तो आज तड़का करके बना रही हूँ, नहीं तो इसको पहले उबाल देते उसके बाद तड़का करते वो सही रहता। तो मगर आज मेरे को टाइम नहीं हुआ, लेट होगी, तो मैंने पहले पकाई नहीं दाल, तो साथ में पकेगी तड़के की। तो चलिए मैं फटाफट फ्राई करती हूँ और चावल रखती हूँ साइड में। तो फ्रेंड्स ये दाल को भी लग गई है बिस्सल और चावल को भी लग चुकी है बिस्सल। तो ये मैं बना रही हूँ कटहल, कटहल को मैं थोड़ा सा डीप फ्राई करके आज बनाती हूँ अलग स्टाइल से। तो चलिए इसको पहले डीप फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे प्याज और टमाटर के साथ।
तो फ्रेंड्स ये कटहल की सब्जी की जो तैयारी मेरी हो चुकी है कि प्याज भी भुन चुका है अच्छे से, ट्रांसलूसेंट हो चुका है, और ये है कटहल जिसको कि मैंने डीप फ्राई करके रख दिया। ये टमाटर है थोड़े से कम है, एक बड़ा सा टमाटर था फिर मैंने एक ही काटा यार, आजकल तो टमाटर डालने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है। और ये है लहसुन। तो अब आई है बारी, जब ये प्याज इतना भुन चुका है आपका तो इसमें सब मसाले जो आपको पसंद है वही सब मसाले डालने की इसमें बारी आपकी आ चुकी है। तो चलिए मैं थोड़ा टमाटर शमाटर लहसुन वहसुन को ऐड करती हूँ, उसके बाद फिर कटहल को ऐड करके इसको रख देती हूँ पकने, और फिर करती हूँ खाना पैक, और फिर नहाती हूँ, फिर निकलती हूँ दुकान को। दो बज चुके हैं तो मेरे को लग रहा है 2:30 मुझे बच जाएंगे दुकान निकलते निकलते। तो फ्रेंड्स ये लीजिए कटहल को मैंने ऐड कर दिया है ग्रेवी में, अब इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे कम आँच पर रख के, 15 मिनट तक कम आँच पर रखेंगे उसको ऐसे ही। उसके बाद आपका जो कटहल है खाने के लिए तैयार हो जाएगा बिल्कुल एकदम। थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा रहता है तो मेरे इसमें तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा रह गया, तो उसको अलग करना पड़ेगा बाद में। तो ये थोड़ा ज़्यादा ऑयली हो जाता है क्योंकि कटहल को जब हम डीप फ्राई करते हैं तो सारा ऑयल वो पी जाता है, तो इस करके भी ये थोड़ा तेल ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो चलिए इसको पकाते हैं और फिर मैं चली जाती हूँ पहले नहाने यार। तो फ्रेंड्स टिफिन लेने के लिए मैंने इस लड़के को बुला दिया था क्योंकि टिफिन मेरा आज काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो अगर मैं ओह माय गॉड चूहा मरा भारी चे। तो यहाँ पे है हॉस्पिटल बीडी पांडे, तो बीडी पांडे के पास पहुँच चुकी हूँ मैं। तो ये जा रहा है लड़का आगे आगे टिफिन लेके ना, इतना धीरे से आया ये, मैं घर से यहाँ तक पहुँच गई थी तब आया। अजीब सी वो हो रही है मुझे, अजीब सा ह्यूमिड सा वेदर, पता नहीं इतनी बारिश पड़ने के बाद भी खतरनाक अजीब गुनगुना सा मौसम हो रहा है। तो चले थोड़ा सा बीडी पांडे का गेट दिखाती हूँ, इसलिए मैं आ रही हूँ यहाँ तक चलते हुए। तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई क्योंकि 3 बज गए थे, सारे स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई है, मेरा बच्चा तो स्कूल ही नहीं गया ना। खैर तो ये देखिए बीडी पांडे का जो गेट है यहाँ से है मेन यहाँ से, तो ये हॉस्पिटल है बीडी पांडे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया इस समय स्कूलों की हो रही छुट्टियाँ, तो लोगों की आवाजाही काफ़ी दिख रही, बच्चे काफ़ी दिख रहे सनवाल स्कूल के बच्चे इस साइड से आते हुए। तो इस समय थोड़ा सा स्टेट बैंक की तरफ में थोड़े से लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, छुट्टी का टाइम है 3 बजे का टाइम, तो इस तरह का हो रहा है अभी यहाँ स्टेट बैंक का नज़ारा। अरे नमस्कार, मैंने आपको देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स फील्ड में जैसे कि हमेशा चलते रहते हैं मैच, तो फुटबॉल मैच बच्चों का चल रहा है, तो आजकल बच्चों के मैचेज चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। शाम को शायद बड़े बच्चों का होता है, अभी छोटे छोटे बच्चों का मैच हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सी टीम है क्या है तो ये सब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं अभी आ ही रही हूँ, तो यहाँ पे खड़े होकर शूट कर रही हूँ। तो इनसे देखिए कोहरा आ रहा है, तो अलर्ट शायद फिर से हो गया है मौसम का यहाँ पे नैनीताल में। तो आज तो अभी खुल गया है मौसम, शाम तक फिर बारिश हो सकती है, तो चले देखेंगे कैसा रहता है मौसम शाम तक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के ना 5 बज रहे इस समय, और दिन में 1 बजे बारिश रुक गई थी, उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बारिश हुई है, मतलब आज 1 बजे तक हुई थी खूब धुआंधार सी बारिश जिसको कहेंगे हम, अच्छी वाली बारिश। तो उसके बाद मौसम अच्छा हो गया था, रुक गई थी बारिश वारिश, तो इस तरह का हो रहा। अभी कोहरा है, बारिश तो रुकी हुई है, कोहरा है और अलर्ट तो है ही, मौसम का जो अलर्ट है तो कह नहीं सकते कब बारिश हो जाए कब ना हो, तो इस तरह का हो रहा है मौसम अभी। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट का दृश्य आप लोगों को दिखा देती हूँ। लोग दिख रहे हैं हल्के फुल्के से, बहुत कम, ना के बराबर, नाम मात्र के लोग। तो यहाँ पे लोग गपशप मार रहे हैं, तो मार्केट का तो पूरा हाल ही सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी लोग नहीं है मार्केट में, जो इक्के दुक्के से लोग थोड़े से दिख रहे हैं, ज़्यादा लोग दिख ही नहीं रहे मार्केट में। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, मैं सोच रही हूँ कहीं जाऊँ पर जा नहीं पाती हूँ मैं कहीं पर भी, तो देखते हैं अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 7 बज रहे हैं, तो देखिए राजस्थानी टूरिस्ट हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे महिलाएं घूंघट में हैं, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में। देखिए जो बंदे हैं ना जो मेल्स हैं साथ में, उनके भी इस तरह के पगड़ी, जैसे अभी ये गए हैं यहाँ भाईसा जा रहे हैं आगे से, तो भाईसा ने बिल्कुल पगड़ी शगड़ी पहनी हुई है, बिल्कुल मस्त वाला बूंदा शूंदा लगाया हुआ कान में, तो मस्त लग रहे हैं भाईसा भी। और जो दीदियाँ हैं वो वहाँ पे बिल्कुल उसमें घूंघट शूंघट काढ़े हुए, और यहाँ पे है दीदी और भैया, यहाँ पे है दीदी और भैया, ये दीदी और ये भैया। कैसे हैं आप दोनों? अच्छे लग रहे साथ में खड़े। थैंक यू। ऐसी बात मत करो। अच्छा एक मिनट, मेरे पति देव बुला रहे, मैं जाऊँ जरा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 7 बज चुके हैं, मैं निकल पड़ी थी घर की तरफ, मगर पता निकलने लगी थी उतने में होगी बारिश स्टार्ट। बारिश तेज़ तो नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है, मगर मैं भीग जाऊँगी ऐसी बारिश में भी। और मैं स्लीपर्स भी लेके आई हूँ, मेरे को ना चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, तो शूज़ उतारने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, ठंडा ठंडा सा भी हो रहा है बाहर। तो मौसम आज थोड़ा सा ऐसे ही रहा है दिन भर में, हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की बारिश, मतलब सुबह 1 बजे तक, तो दिन के 1 बजे तक तो ठीक ठाक सी बारिश थी, उसके बाद से थोड़ी बारिश कम हुई, फिर अभी फिर से स्टार्ट हो गई है बारिश। तो देखती मैं निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स लोग आनंद ले रहे हैं बारिश में भीगने का, तो देखिए सभी लोग बारिश में भीगते हुए पाए जा रहे हैं, ये देखिए सब भीगते हुए जा रहे हैं, कोई ने भी छाता नहीं, किसी ने भी छाता नहीं ओढ़ रखा है, तो सबके सब भीगने का, मतलब भीगने का भी बरसात में अपना ही मजा रहता है। तो मैं भी भीग रही हूँ बारिश में, खड़ी हूँ बाहर को, तो ज़्यादा नहीं भीगूंगी क्योंकि मुझे अभी घर भी जाना, तो मैं अपने आप ही मुझे भीगना ही पड़ेगा फिर। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ खड़ी बाजार,
तो बारिश में खड़ी बाजार और भी खूबसूरत लग रही। देखिए पूरा रोड पर रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है लाइटों का ना, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लग रही रात के समय में खड़ी बाजार पूरी लाइटों के साथ, और बारिश में तो लाजवाब लग रही है। तो चलिए तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना खड़ी बाजार। तो चलिए मैं अब जाके मिलती हूँ वहीं पे जहाँ मुझे जाना है अभी, तो मुझे मिल गई वो दुकान। तो आप एक शॉप पे बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े लगे हुए और सेल लिखा हुआ 50% ऑफ ओनली फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक रहेगी ये सेल, उसके बाद ही हट जाने वाली है सेल। तो यहाँ पे बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े टंगे हुए हैं, किड्स वेयर ही है सब इसमें, छोटे बच्चों के कपड़े। एक अच्छा मैंने उनको जो पहना रखा बड़े बच्चे का भी दिख रहा है मुझे कोई। यहाँ पे छाते ही छातों की शॉप और इस साइड भी छाते ही छातों की शॉप दिख रही है मुझे। तो चलिए मैं जिनको ढूंढ रही हूँ शायद मुझे मिल जाए वो इसी मार्केट में। तो चलते हैं आगे, और यहाँ पे है शूज़ की शॉप, शूज ही शूज हर तरफ। यहाँ पे भी राखियाँ वाखियाँ आ गई, तो राखी आने वाली है इसी महीने के अगस्त 30 तारीख को राखी है। तो बड़े बाजार के साथ में ही नीचे को लगते हुए एक ये बाज़ार भी है, तो जो लोग भी नैनीताल आते बड़े बाजार जाने के बाद इस साइड को भी इस वाली बाज़ार में भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको डेली नीड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अभी, मैं तुम्हारी दुकान ढूंढते ढूंढते आ रही हूँ। अरे वाह, तुम्हें यही दुकान ढूंढ रही थी फ्रेंड्स में, नीचे से बोलते पता नहीं मुझे दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा सेटिंग कर, दो ही जाने लगे पड़े हो, हद है यार। कुछ किसी को तो लगा था कहाँ लेके जाएगा इतना नोट, कहाँ लेके जाएगा। नहीं क्या लेके आ रही हूँ, नहीं तो लाइव नहीं हूँ मैं, रिकॉर्डिंग ऐसी कर रही हूँ। तो यहाँ पे राखी की नई दुकान खुली है फ्रेंड्स बड़ा बाजार में। हाँ अभी लेती हूँ, अभी खाती हूँ, रुक जा। अच्छा तो यहाँ पे है शॉप, अंदर को के गोदाम है पूरा। अच्छा काफी अच्छा, इसको करेंगे डिस्प्ले करेंगे, वो करा रहे हैं पूरा माल चला फुलाएंगे। मुझे लग रहा है माला की ड्यूटी लगने वाली है ना माला। अच्छा बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। तो मैं आपको बाहर से एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कहाँ पे ये राखियों की शॉप है। तो यहाँ देखिए ये जो कहाँ पे बोलेंगे आप, ये स्वीट शॉप दिख रही है मुझे सामने, और वहाँ पे सामने एक राशन वाली दुकान है शायद उसके ठीक पास में। क्या है यार एड्रेस, एड्रेस क्या है इसका? कानपाल जी राशन वालों के सामने। हाँ कानपाल जी राशन वालों के सामने, कुलदीप भाई की दुकान। ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ से राखी लीजिएगा सभी लोग। तो राखी आने वाली है 30 अगस्त को ना। हाँ तो काफी सारे डिजाइन अच्छे अच्छे, नहीं मैं भी बनाऊंगी तो फिर से बनाऊंगी। अभी तो यहाँ पे काफी सारे इनके पास, मतलब इतने इतनी राखियाँ हैं कि मत ही पूछे। पूरी दुनिया में राखी यहाँ से जाएगी तभी खत्म नहीं होंगी, इतनी राखियाँ इनके पास आई हुई है। तो काफी सारे डिजाइन बड़े खूबसूरत खूबसूरत से डिजाइन लग रहे हैं। यहाँ पे भी सामने देखिए डिस्प्ले अभी कर ही रहे हैं लोग, लगा ही रहे हैं दोनों जने मिलके। अच्छा क्या है ये, किस चीज का? चंदन की राखी है ना। अरे वाह ये देखिए चंदन की राखी है, ये अच्छी लगती है हमेशा, ये हमेशा बांधे रखो, साल भर भी बांधे रखो तो खराब नहीं लगती, मतलब सही लगती है ये वाली। तो फ्रेंड्स जब से मैं आई ना राखियाँ देख ली मैंने इतनी सारी, तो देखिए कितनी खूबसूरत कलरफुल राखियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत अच्छे अच्छे से डिजाइन सब मैं देख के, मतलब अभी देखती ही जा रही हूँ फिलहाल। तो मैं इतनी खूबसूरत राखियाँ हैं, तो देखिए कलरफुल ये दिखा ना, रेड भी इसके साथ में सारे इतने अच्छे अच्छे कलर से, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर है। तो माला तो रेट्स लगाने में बिजी है अभी, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब। तो फ्रेंड्स मैं बीच वाले बाज़ार से आ गई हूँ यहाँ बड़ा बाज़ार। तो चले तो यहाँ पे भी राखियाँ काफ़ी लगी हुई है, तो सब जगह राखी लग गई है। तो रक्षाबंधन की धूम मार्केट पे दिखने लग गई है, राखियाँ 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 सब तरफ। तो अभी मैंने पूरा राखियों का एक शॉप जो था वो दिखाया अभी नीचे। तो चले अब त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, तो त्यौहार ही त्यौहार का सीज़न रहेगा अब। चले चलती हूँ मैं दुकान सॉरी घर की तरफ, तो वीडियो का जो एंड होगा वो घर जाके करेंगे ना। ठीक है तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। तो ये मैं सब्जी लेके आई हूँ, लिंगड़े की दूध लाई, उन्होंने दूध निकाल के फ्रिज में डाल दिया बेटा, धनिया लाई हूँ, अबन है अभी, और ये बेटा मेरा सोया था, क्यों सो रहा है इतना, दिखा तो आँखें दिखा, तो पीले पीले तो नहीं तुझे हो रहा, क्यों सो रहा है इतना, पता नहीं सोने में लगा पड़ा है लड़का। तो पहुँच चुकी हूँ मैं घर, और टाइम इस समय हो रहा है 8:30। तो चलिए मैं चलती अपने रूम में, और मेरे रूम की तो हालत ना देखने लायक ही नहीं होती। तो फ्रेंड्स देख जैसा कि आप लोगों ने देख लिया मैं पहुंच चुकी हूं घर पे, तो फेस वॉश वगैरह करके मैं बैठ चुकी हूं। तो आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, जैसे कि कल हमको उन्होंने दिलावर भाई ने बताया था कि एंड करते नहीं बोलने का है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, कल को फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट।